अरे वर डगाला लागली कळ हम पाणी टेम टेम गळ वर डगाला लागली कळ हम पाणी टेम टेम गळ गाव ग गाणे पिरू ग पाकरा सांग अरे मेरे बाप रे ये तो मरेल दिख रहा मुझे अरे मेरे बाप क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ सीआईडी को फोन लगा दो वो देखेंगे हेलो हेलो छोटू सीआईडी बोल रहा हूँ हाँ सीआईडी साहब ये देखो मेरे बंगले पे एक आदमी मर के पड़ा है क्या आदमी मर गया आना साहब एड्रेस बोलो कहाँ आने का ये मसन का है ना हाँ मसन काई के पास आयरन गली है क्या ठीक है हम अभी पहुँच रहे जल्दी आओ साहब जल्दी आओ एड्रेस तो यही बोला था पर दिख तो नहीं रहा कोई यार किसने कॉल करा था रे साहब जी मैंने कॉल किया था आपको इधर आ हाँ साहब क्या रे देखो पुलिस वालों को बुलाने को रोक आ रहा था करे डायरेक्ट सीआईडी वालों को बुला लिया अच्छा मजा कर रहा था मैं सर किसके साथ मजा कर रहे थे इधर आ रे तू सर माफ कर दो ना अब समझ में आया ना मैं किसके साथ मजा कर रहा था हाँ समझ में आ गया ना ठीक है सर मैं पुलिस को बुला लेता हाँ तो हम पागल है जो यहाँ तक के पेट्रोल खर्चा करके आए और अब आ गए तो दो चार को फांसी पे चढ़ा के ही जाएंगे सर फांसी पे चढ़ाने के वास्ते लाश तो देखना पड़ेगा ना कहाँ है लाश चलो वहाँ लाश पड़े ले चल हाँ चलो सर ये देखो सर ये लाश पड़े ले चलो अच्छा हुआ इस लाश में कम से कम गोली नहीं चली ओ माय गॉड कुछ तो गड़बड़ है सर दरवाजा तोड़ दूं क्या देखो यहाँ पे दरवाजा कहाँ दिख रहा कभी भी दरवाजा तोड़ने का तो बोलना सर बड़ा है दरवाजा तोड़ने वाला किसी ने लाश को हाथ तो नहीं लगाया नहीं सर पागल है क्या लाश को हाथ लगाऊंगा अभिजीत यस सर लाश को जरा अच्छे से चेक करो ओके सर हाँ सर जुआ निकाल रहा क्या सॉरी सर सर जिस्म पर कहीं घाव का निशान नजर नहीं आ रहा है आखिर ये मरा तो मरा कैसे कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत सर मुझे पता चल गया है कि इसे किसने मारा क्या बात है अभिजीत अरे सर आपकी छत्र छाया में रहकर ही काम सीखा हूँ किसने मारा इसको सर इसको जरूर इसके कातिल ने मारा है इधर आ और वो कातिल को अपने को ढूंढने गए दया और अभिजीत यस सर इस एरिया का चप्पा चप्पा छान मारो और जो मिला वो ला के दो ओके सर सर सामने से हट्टा अरे मुझे क्या दरवाजा समझा उधर से जा ये मुझे क्यों ऐसा देख रहा कभी कभी तो मुझे इस पे ही शक होता है जब खून हुआ तू कहाँ था रे मैंने साहब मैंने था अबे मैं तो पानी मारा था साहब माखी का साहब मैंने था मेरे ऊपर बिल्कुल शक मत करो सर मैं बाल बच्चा रहा साहब ज्यादा पापड़ मत कर गुच्चू बैठ ये क्या चीज है इसके कोट में दारू की बोतल ये कौन सी दारू है इसे जानने के लिए फोरेंसिक लैब भेजना पड़ेगा सर लाइफ टाइम को भेजा रहे मैं सुन के बता दूंगा साहब ये कौन सी दारू है और किस कंपनी की है मैं सुन के बता सकता साहब इस जगह पे ऐसा खाली सुन के बता देगा हाँ ले फिर बता ओडका अरे वाह और कंपनी ब्लैक मिर्च चिप्स वाह रे ये क्या है आखिर इसे पिया तो पिया किसने एसीपी साहब को बताना पड़ेगा सबूत है इम्पोर्टेंट सर हाँ। एक सबूत हाथ लगा है इसे चेकिंग के लिए लैब में भेजना पड़ेगा अरे काहे को लैब में भेजना पड़ेगा ये सुन के बता देगा कौन सी कंपनी की है हाँ ये लो सर पकड़ो ये ले रे सुन गान बता
विस्की है, विस्की। विस्की है? हाँ। कौन सी कंपनी की है? रिंग पिशर, रिंग पिशर। देखा ना, बता दिया ना एकदम सही। हाँ सही है। ओहो, दारू की बोतल। एसीपी साहब को ले जाकर बताना पड़ेगा। तो अपने पास काम पे रख लो ना। सर, एक सबूत और मिला है। एक और बोतल ले रही, ये भी बता कौन सी दारू है। हाँ लाओ ना सर। सर। हाँ। ये पिशाब है। ओह नो। पिशाब है? कौन सी कंपनी का? हाँ? मत कर, बड़ा है सुनने वाला। सर, बोतल से तो ये साबित होता है ये नशे का शौकीन था। कभी कभी तो मुझे इस पर भी शौक होता है। नशे का शौकीन तो तू भी है, इसका मतलब ये खून तूने तो नहीं कर दिया। नहीं सर, मैं तो आपके साथ हूँ, मैं कैसा खून कर सकता हूँ भला। सर, ये मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा है। ऐसा? सर मैं जाऊँ? तू उधर जाके बैठ, जब तक के एक केस सॉल्व हो जाएगा कोई कहीं नहीं जाएगा। सब लाइन से बढ़ो। आखिर ये मरा तो मरा कैसे? आखिर ये शराबी को मारा तो किसने मारा? ये शराबी दरवाजा बंद करके क्यों नहीं मरा? माचिस दे रे? नहीं अरे। माचिस देना। ये अभिजीत माचिस दे रहे इसको। ए दया, माचिस दे रहे उसको। ए माचिस दे रहे उसको। किसको? उसको। क्यों चिल्ला रहे? अबे तू तो मर गया था ना। अरे मैं मरा नहीं था, रात में ज्यादा पी लिया था इसलिए यही सो गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर हमारी इस वीडियो का रिटेक देखने का है तो यहाँ क्लिक कीजिए। हाँ।